हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद प्रिय रेडियो यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शायद परवेज रहमान एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंग्लिश ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर जो कि बर्डोन यूनिवर्सिटी के अंडर में है, तो वहाँ पे आप लोगों को कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप लोगों को अपने टेक्स्ट को भी कंप्लीट कर पाएंगे और आप लोगों को वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए अपने इंग्लिश ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर जो कि बर्डोन यूनिवर्सिटी के अंडर पे है, एंड आप लोगों को कैसे प्रिपेयर होना है, कहाँ से आप लोग कैसे डेटा कलेक्ट करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना पसंद करूंगा कि अगर आप लोगों को इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस के बारे में पता नहीं है, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसके बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो फिर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, जो बुक्स आज मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ, ये बुक्स मैंने खुद फॉलो किए हैं। ठीक है, एंड इन बुक्स को मैंने कंप्लीट करने के बाद अपने एग्ज़ाम भी दिया, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग ये बुक्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप भी सारे के सारे टेक्स्ट सही से कंप्लीट कर पाएंगे एंड क्वेश्चन आंसर भी सही से कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, तो फिर उन लोगों को भी पता चले कि कौन से बुक फॉलो करने हैं फोर्थ सेमेस्टर पे इंग्लिश ऑनर्स बर्डोन यूनिवर्सिटी के अंडर पे। एंड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो फिर आप लोग वो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का पहला बुक। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को आपके जो पेपर से CC8, CC9 एंड CC10, ये तीन पेपर आप लोगों को ये बुक कवर कर लेगा। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स का ये बुक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी लोकल स्टोर पे जाने पर आप लोगों को ये बुक मिल जाएगा, लेकिन ये ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है। अगर कभी ये अवेलेबल होता है तो फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप अपने लोकल स्टोर पे जाके इसको ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि इस बुक से आप लोगों को कौन से चीज़ें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डोन। ठीक है, बीए इंग्लिश ऑनर्स सिलेबस न्यू CBCS पैटर्न। देखिए, CC8 पे ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी सेक्शन ए, नंबर वन पे देखिए विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये नॉन डिटेल टेक्स्ट है। उसके बाद थॉमस ग्रे का एलिजी है, विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग है। सेक्शन बी पे देखिए डैनियल डिफो का मॉल फ्लंडर्स है, नॉन डिटेल टेक्स्ट। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट का गैलिवर्स ट्रेवल्स है, बुक 1 एंड 2। उसके बाद देखिए CC9 ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, सेक्शन ए पे देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे है। उसके बाद सैमुअल टेलर कोलरिज का कुबला खान, विलियम ब्लेक का लैम्ब, चिमनी स्वीपर ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से है। उसके बाद और एक चिमनी स्वीपर है जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से है। उसके बाद द टाइगर है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी पे जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉन डिटेल टेक्स्ट। उसके बाद देखिए नंबर 4 जॉर्ज गॉर्डन बायरन, चाइल्ड हैरल्ड्स पिलग्रिमेज, कैंटो 3 वर्सेस 36-45। उसके बाद पीवी सेले का ओड टू द वेस्ट विंड है एंड ओज़िमांडायस है। ठीक है, और उसके बाद है जॉन किट्स का ओड टू ए नाइटेंगल एंड टू ऑटम, मतलब कि ओड टू ऑटम। उसके बाद देखिए CC10 ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी, सेक्शन ए पे देखिए चार्ल्स डिकेंस हार्ड टाइम्स, नॉन डिटेल्ड। उसके बाद है अल्फ्रेड टेनिसन द लेडी ऑफ शैलोट एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लस्ट डचेस और क्रिस्टिना रोजेटी का द गॉबलिन मार्केट। सेक्शन बी पे है शार्लोट ब्रॉन्टे, जेन आयर और थॉमस हार्डी का रिटर्न ऑफ द नेटिव, नॉन डिटेल टेक्स्ट है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को इस बुक से ये सारे के सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे। ठीक है, डिटेल एंड नॉन डिटेल टेक्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे पेज नंबर दिए गए, तो देखिए ये स्टार्टिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये एक नॉन डिटेल टेक्स्ट है, तो नॉन डिटेल टेक्स्ट में क्या दिया गया है ना, पूरा का पूरा समरी है। देखिए Act 1 Scene 1, मतलब चैप्टर वाइज समरी दिया गया है। ठीक है, द वे ऑफ द वर्ल्ड ये एक नॉन डिटेल टेक्स्ट है। सो यहाँ पे जितने भी सारे नॉन डिटेल टेक्स्ट हैं ना कि उनका समरी दिया गया है एकदम चैप्टर वाइज, मतलब ये समरी अगर आप लोग पढ़ लेते तो फिर फुल्ली आप टेक्स्ट को अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, सीरीज़ वाइज आप लोग जान जाएंगे। मैंने भी ये पढ़ा था एंड मैं भी सीरीज़ वाइज जान चुका था, और मैं अच्छा जान पाया हूँ या नहीं ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने कॉलेज डेली अटेंड किया था, तो वहाँ पे जब
टीचर जो लेक्चर देते थे तो वहाँ से समझ में आता था कि हाँ जो मैंने समरी यहाँ से पढ़ा है वो सब कुछ एक्यूरेट है, ठीक है। और इस बुक से मुझे ज़्यादा कुछ मिस्टेक तो दिखा नहीं, मिस्टेक मुझे दिखा ही नहीं अगर कहा जाए तो। और देखिए मैं बस यही कहूँगा कि नॉन डिटेल टेक्स्ट का अगर आप लोग समरी चाहते हैं तो फिर इस बुक से अच्छा बुक और कोई नहीं होगा, ठीक है। और डिटेल टेक्स्ट का तो कोई समरी आप लोगों को इस बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। डिटेल टेक्स्ट दो ही है, एक है जेन आयर और दूसरा है गैलीवर्स ट्रैवल, तो इन दोनों को आप लोगों को फुल पढ़ना पड़ेगा। और ये जो पोएम है आप लोगों को तो पता ही है कि पोएम तो आप लोगों को फुल्ली रीड करना पड़ेगा, ठीक है। पोएम का आप लोगों को फुल्ली रीड करना पड़ेगा और डिटेल टेक्स्ट में से जेन आयर एंड गैलीवर्स ट्रैवल्स को आप लोगों को फुल्ली रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब कुछ पोएम, अब पोएम के बारे में मैं एक बात बता दूँ कि पोएम पे देखिए पोएम का समरी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पोएम का समरी मिल जाएगा और पोएम के समरी, अब कुछ कुछ पोएम में इन्होंने वर्ड नोट्स भी दे के रखा है, ठीक है। ये समरी है इस पोएम को, देखिए ये ओड टू इवनिंग, ठीक है। तो समरी दिया गया है, ज़्यादातर पोएम में सिर्फ समरी दिया गया है, कुछ कुछ पोएम में जैसे कि ओज़िमंडाइज़ वहाँ पे वर्ड नोट्स भी दिए गए हैं प्लस समरी एंड एनालिसिस भी दिए गए, ठीक है। ये देखिए मॉल फ्रंडर्स, ये एक नॉन डिटेल टेक्स्ट है जो कि डैनियल डिफो ने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए समरी दिया गया है, समरी के बाद एनालिसिस, ठीक है। तो मैं ये बात मेंशन करना भूल गया था कि कुछ कुछ नॉन डिटेल टेक्स्ट पे समरी प्लस एनालिसिस दोनों दिए गए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आप लोग समरी पढ़ते उसके बाद एनालिसिस पढ़ते तो फिर इससे आप खुद का नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी देखिए चैप्टर वाइज समरी है, पार्ट वन मॉल्स चाइल्डहुड एट्सेट्रा, और उसके बाद देखिए एनालिसिस भी दिया गया है। तो ऐसे करके सब कुछ दिया गया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि जेन आयर, देखिए ये है जेन आयर, ठीक है, शार्लोट ब्रॉन्टे। तो चैप्टर वन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक डिटेल टेक्स्ट है, ठीक है। आप लोगों को इसे फुल पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे फुल टेक्स्ट दिया गया है, ठीक है। जेन आयर का भी फुल टेक्स्ट दिया गया है और गैलीवर्स ट्रैवल का भी फुल टेक्स्ट दिया गया है। गैलीवर्स ट्रैवल्स आगे था, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैलीवर्स ट्रैवल्स जोनाथन स्विफ्ट। सो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ये बात समझ चुके हैं कि इस बुक से आप लोगों को टेक्स्ट मिल जाएगा, डिटेल नॉन डिटेल सब कुछ, और पोएम इन सबको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समरी एनालिसिस एंड वर्ड नोट्स ये सब कुछ मिल जाएगा। और क्वेश्चंस आंसर्स की अगर बात की जाए तो फिर इस बुक में कोई क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों को दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे इस बुक में ये सब कुछ आप लोगों को नहीं मिलेगा। और चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये है हम लोगों का सेकेंड बुक। देखिए आप लोगों को मैंने दिखाया कि यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएगा, ये बुक है टोटली एक कॉम्पेनियन बुक है, ठीक है। देखिए ये बुक शायद हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मेरे लोकेलिटी पे अवेलेबल था जिस वजह से मैंने इसको ख़रीदा है, मैंने सीउड़ी से ख़रीदा है, सीउड़ी बीरभूम, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहे तो वहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, बर्धमान में भी आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपेनियन बुक है। इस बुक का मैंने फुल रिव्यू करके रखा है, मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर इस बुक का रिव्यू ज़रूर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम लोग नेक्स्ट बुक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है हमारा नेक्स्ट बुक। तो इस बुक को मैंने इसलिए रखा है कि गैलीवर्स ट्रैवल्स का देखिए बहुत हम में से बहुत लोग होते हैं कि जिन लोगों को सेपरेट बुक अच्छा लगता है डिटेल टेक्स्ट के लिए, ठीक है। और अगर टीचर्स रिकमेंड करते हैं तो देखिए मैं कहूँगा कि आप लोग पहली कोशिश ये कीजिएगा कि पेंगुइन का टेक्स्ट खरीदने का। अगर आप लोग पेंगुइन का टेक्स्ट ना खरीद पाते, अगर मार्केट पे अवेलेबल नहीं होता है या फिर अगर आप लोग का बजट शॉर्ट होता है तो फिर आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है। ये बुक बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, ऑनलाइन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को फुल जो गैलीवर्स ट्रैवल्स है उसका टेक्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका जो सिलेबस है उन सिलेबस में बस दो ही आप लोगों को बुक रीड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शायद चार बुक ही दिए गए, आप लोगों को चार को रीड करने की ज़रूरत नहीं, बस दो रीड कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट वन एंड पार्ट टू, ए वॉयज टू लिलीपुट एंड ए वॉयज टू ब्रॉबडिंगनक, ठीक है। ये दो आप लोग रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप लोगों को फुल टेक्स्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर इस बुक को खरीद सकते हैं, तो फिर आप लोग फुल गैलीवर्स ट्रैवल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हम लोग का तीसरा बुक।
अब हम लोग आ जाते हैं हमारे चौथे बुक में। इस बुक का मैंने रिव्यू किया है, ठीक है। ये शार्लोट ब्रॉन्टे के जेन आयर, ये भी डिटेल टेक्स्ट है आप लोगों का, ठीक है। मैंने इस बुक को ख़रीदा था क्योंकि ये डिटेल टेक्स्ट है और मेरे पास पेंगुइन का कलेक्शन नहीं था, तो पेंगुइन का एक बुक मैंने ख़रीदा। ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और पेंगुइन के बुक्स रियली बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आप लोगों को वर्ड नोट्स मिल जाते हैं और आप लोगों को बैकग्राउंड जानने को मिलता है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एट्सेट्रा, ठीक है। आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो इस बुक को ज़रूर खरीदीजिएगा, ठीक है। पेंगुइन एडिशन का, गैलिवर्स ट्रैवल्स का भी हो सके तो ख़रीदीजिएगा, लेकिन जेन आयर को तो मस्ट है, ठीक है। और हो सके तो कोशिश कीजिएगा इस बुक को फुल्ली कंप्लीट करने का, बहुत ही अच्छा है। एंड इसका फुल रिव्यू मैंने किया है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये अंतिम बुक, ये मैंने G4 के लिए लिया था क्योंकि मेरे G4 में फिलोसफी था, ठीक है। ये एक बुक ही काफ़ी था, इसका भी मैंने रिव्यू किया है, अगर आप लोग चाहते तो भी इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इस बुक को मैंने पढ़ा था और यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स कॉमन आ चुके थे, ठीक है। बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। इस बुक का मैंने फुल बुक रिव्यू करके रखा है, अगर आप लोग चाहते तो भी उसको देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, आज का था ये वीडियो। आप लोगों को मैंने सारे के सारे बुक्स दिखा दिए कि जो कि आप लोग ख़रीदना चाहिए अपने इंग्लिश ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर बर्डवन यूनिवर्सिटी के अंडर पे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो फिर वो आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फिर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास आगे पहुँच जाए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं तो बस तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत हो तो फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल को भी ब्राउज कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, माई नेम इज शैद परवेज रहमान एंड यू आर वॉचिंग शैद पीडीएडू यूट्यूब चैनल।